शादी में तो मज़ा आता है मुझे, शादी के सीक्वेंस अच्छे लगते हैं मुझे, सब पूरी फैमिली होती है, सब साथ में होते हैं, मिलते करते, तो अच्छा लगता है, इट्स एक्साइटमेंट, एक्साइटिंग. हाँ, थोड़ा टायरिंग भी हो जाता है, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल, दैट्स ओके, नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट, बट हाँ, एक्साइटमेंट रहती है. वो ऐसा था कि हमारे घर वालों ने, मेरे फादर ने, मेरी बुआ ने और जो सासू माँ बनी है, उन्होंने हमारा मिलना बंद कर दिया है या बात करना बंद कर दिया शादी तक. तो वो इतनी अंदर से एक्साइटमेंट है कि नहीं, बात करनी है, बात करनी है. उसमें ऐसा होता है कि डेली लाइफ में भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो राजीव फेस कर रहा है, जो कोहू भी जानती है, उस बारे में भी बात करनी होती है. बट बिकॉज वो बात करने नहीं मिल रहा है, वो एक परहेज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है हम में, तो वो भेस बदल के वो थोड़ा बहुत अपने आप को उस तरह से जाके कोहू से बात करने जा रहा है. तो वो सीन वैसा था. पता नहीं, आई हैव अ थिंग विद किड्स, मुझे बच्चों, आई डोंट नो, किड्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी, मुझे बच्चे बच्चों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ उनके साथ. तो कहीं ना कहीं हाँ, वो हो, पता नहीं, इट्स अ कनेक्ट विद ऑल द किड्स, और बाकी बच्चों का भी मेरे साथ ऐसा होता है. और सीन में कैसा ना, आप जितना उनको डांटोगे उतना वो डर जाएंगे. अब जितना उसके साथ मस्ती से करोगे या उसको समझाओगे, सबका अपना तरीका, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, बट मुझे पता जो मैं करता हूँ उससे मान जाएगा, तो मैं वो कर लेता हूँ जो भी मुझे करना है. और ऑन स्क्रीन समझाना या उस सीन में समझाने से बेटर वो क्या होता है ना, कि आपकी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री होती है ना, तो वो ऐसी होती है कि भले चाहे दुनिया ना बोल दे कि ये नहीं, ये नहीं, पर अगर मैं बोल दूंगा ना उनको ये ऐसे कर लो, वो कर लेंगे कि यार भैया ने बोला है करना है तो करना है. सो वो वैसी एक केमिस्ट्री है मेरी वो दोनों बच्चों के साथ. सो हाँ, और मैं अभी बता रहा था किसी को कि हीरो हीरोइन है, सीधी सादी ज़िंदगी तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं से कोई तो तकलीफ़ आएगी. अभी फ़िलहाल तो हमको नहीं पता वो तकलीफ़ क्या है, कौन है, बट हाँ, आई एम श्योर आएगी. उसको फिर से हम दोनों मिलके लड़ेंगे, जो इंडिविजुअल लड़ रहे थे अब मिलके लड़ेंगे. थैंक यू.